चेयरमैन रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर मैंने काम किया है। महिला मोर्चे में प्रदेश की उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय मंत्री के रूप में मैंने काम किया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्षेत्रीय संयोजक रही हूँ। कई जिलों में प्रभारी के रूप में मैंने काम किया है। मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बहुत सारे जिलों में मैंने प्रभारी के रूप में काम किया और अब वर्तमान में मैं प्रांतीय पार्षद हूँ नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र से और एक सेक्टर की प्रभारी भी हूँ। और चूंकि एक लंबा समय मुझे पार्टी में काम करते हुआ है तो जितना मैंने पार्टी को समझा मुझे लगता है कि पार्टी सबको साथ में चलने वाली है। और प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं उन्होंने जितनी भी योजनाओं की शुरुआत करी है वो सभी के लिए करी है। अगर हम जनधन योजना की बात करें तो सभी के खाते खुले, उसमें सभी ने अपने जितने भी योजनाएं थी सभी का उनमें लाभ भी लिया है। आप देखिए कि इसमें किसी जाति या वर्ग विशेष के लिए कोई काम नहीं होता। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें एक वर्ग की बेटी को तो धन आता था और दूसरे वर्ग की बेटी को धन नहीं आता था। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास से ही हम सब काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँच सके, उसके लिए हम सब कार्यकर्ता काम भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने। आप सबके सहयोग से ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब 2022 में जब चुनाव होंगे तो उसमें भी आप देख रहे हैं सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। विषय बस इतना है कि हम चाहते हैं कि अपनी नजीबाबाद सीट भी आपकी यहाँ से निकले, यहाँ भी कमल का फूल खिले और यहाँ से भी आपका अपना विधायक बने। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो सरकार के सामंजस्य बनती है। अगर हमारा विधायक का और सरकार का तालमेल होता है तो काम दुगने हो जाते हैं, क्षेत्र का विकास ज्यादा होता है। अभी अभी प्रधान जी ने पुल का विषय रखा तो मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि मैं अभी 10 दिन पहले लखनऊ गई थी और मैंने वो अपने जो मंत्री हैं उपाध्याय जी उनको दे दिया है और उन्होंने प्रमुख सचिव को से मार्क भी कर दिया है। और मुझे लगता है कि इसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा क्योंकि कोई भी चीज़ हम कोई भी काम कराते हैं तो उसको दो तीन बार याद दिलाना पड़ता है, एक बार कहने से नहीं काम होता। तो अब हम दोबारा जाएंगे तो प्रमुख सचिव जी के पास से वो फाइल कहाँ तक पहुँची हम उसका भी आगे संकलन करेंगे। तो अगर हम दो आप चाहते हैं कि फिर से भी चुनाव का समय आ गया है और दिसंबर में या जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी तो मुझे लगता है कि पहले आप अपने अगर हाथ मजबूत कर लेंगे, अपना विधायक बना लेंगे तो हम काम और ज्यादा मजबूती के साथ कर सकते हैं क्योंकि मन में भाव होना चाहिए काम कराने का। नीना सिंगल तबीयत खराब है, गला खराब है, आप सब समझ रहे होंगे। कोशिश मेरी यही है कि मैं नजीबाबाद क्षेत्र से काम करूं और जो आपकी परेशानियां हैं उनमें मैं अगर कोई भी अगर दूर करने में जरा भी सहयोग कर सकती हूं तो वो मैं काम मेरी इच्छा है कि मैं करूं। और इसी भाव से मैं आप लोगों के बीच भी आई हूं कि आप सब मेरा सहयोग करें, अपने हाथ मजबूत करें क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों का सहयोग होगा। शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, सब जानते हैं मेरा स्कूल है, कॉलेज है, नेटवर्क में बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं तो खुद गलत काम नहीं करेंगे, ये आप समझ सकते हैं चीज को। क्योंकि जब हम बच्चों से कहते हैं कि सच बोलो, अच्छा काम करो, अच्छे नागरिक बनो तो हम फैमिली को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से हम अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ आपका साथ, आपका प्रयास अगर हमें मिलेगा तो हम एक अच्छी यहाँ पे काम कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत होंगे, सरकार से तालमेल होगा तो काम करने में अच्छा मजा आएगा और